और एक दरख्वास्त दायर की गई थी, एक केस आया था कौमी तराने के मामले पर कि कौमी तराना जब बज रहा हो तो क्या इस पर खड़ा होना चाहिए या नहीं, हॉल के अंदर यानी आपके सर के ऊपर छत है तो वहां पर आप खड़े हो सकते हैं या नहीं, सवाल पूछा गया था। और इस सिलसिले में किसी इज्तमा के दौरान या किसी तकरीब के दौरान खड़ा होना कैसा है और ना खड़े हों तब कैसा है, मामला अदालत के सामने पहुंचा और अदालत की तरफ से अब जो फैसला इस पर सुनाया गया है, जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें साफ कर दिया गया बेंच की तरफ से कि कौमी तराने के लिए खड़ा होना या ना गाना जुर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी तकरीब के दौरान किसी इज्तमा में अगर आप जब नेशनल एंथम चल रहा हो आप उसमें खलल डालते हैं, किसी तरह की कोई कोशिश करते हैं जिससे माहौल खराब हो या डिस्टर्ब हो चीजें, तो वो तोहीन है, तोहीन के जुमरे में आता है, ये बेंच की तरफ से साफ कर दिया गया। और अच्छा, इसमें एक चीज जी बड़ी क्लियर कर दे, चूंकि कोर्ट वाला मामला है, इज्तिमा में खलल डालना या उन्हें कौमी तराना बजाना या गाने से रोकना, दोनों को तौहीन के जुमरे में करार दिया गया है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जो था जी, और डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट थे जिन्हें सितंबर 2018 में इसलिए एफआईआर दर्ज हुई थी कि उस कॉलेज फंक्शन के दौरान कौमी तराना बजाया गया था, वो खड़े नहीं हुए थे, वायरल वीडियो था, जिसके बाद उस कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। और 2018 से 2021 तक ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चलता रहा, कोर्ट में सुनवाई होती रही और फाइनली कोर्ट ने कल जो वर्डिक्ट अपना दिया वो ये कहा कि एफआईआर जो इनके खिलाफ लगी है उसे कॉश किया जाए, उसे खत्म किया जाए और उनकी तरफ से डिसरेस्पेक्ट किसी तरीके से नेशनल एंथम को नहीं किया गया है। और ये तब ही डिसरेस्पेक्ट माना जाएगा, ये तभी तौहीन माना जाएगा अगर कोई इंसान गा रहा है कौमी तराना तो आप उसको रोकेंगे या उसके ऊपर खलल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो तब जाकर आप तौहीन के जुमरे में आते। तो इसके साथ साथ पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को खारिज करे। और आगे भी ये कहा गया कि इन सभी मामलों के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्लास वन मजाज नहीं है कि वो कोई फैसला ले, बल्कि ये कहा गया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास वन को हिदायत जारी करते हुए ये कहा गया कि वो इन मामलों की ओर देखा करें कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज करवानी है या नहीं करवानी है। तो एक लंबी बहस चली है इस पर और उस बहस के बाद फाइनली जो डिसीजन सामने आया है डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट के मामले पर, जो लेक्चरर थे कॉन्ट्रैक्चुअल गामा डिग्री कॉलेज बनी के अंदर कठुआ के अंदर, और उन्हें बुक किया गया था साल 2018 के अंदर, उन पर यह इल्जाम था कि डिसऑनरिंग द नेशनल एंथम, ये बेसिक क्रैक्स था उसका। और उसके बाद यह मामला कब हुआ था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद जश्न की तकरीब हुई थी तो उस सिलसिले में वहां फंक्शन था। और उसके बाद कल जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस संजीव कुमार ने अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हुए कहा कि इस एफआईआर को ख़त्म किया जाए, और अपनी बात साफ करते हुए उन्होंने कहा कि खड़ा होना या गाना जुमरे में नहीं आएगा, जुर्म के जुमरे में नहीं आएगा, इज्तिमा में खलल डालना या तौहीन के जुमरे में ज़रूर आ सकता था। ये तो थी बात जनाब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। एक और बड़ी